आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में निम्ती की लाल ट्रेन के 590वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। कटंगी नाके का के आसपास हम खड़े हुए हैं और कटंगी नाके से इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये मंडला की तरफ जाने वाला रास्ता, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये कटंगी और नागपुर तरफ जाने वाला रास्ता। और हमारे ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां यहां पर हो रही हैं, क्योंकि एसपीजी के सुरक्षा में ये पूरा आ चुका है, इसलिए अंदर जाने की फिलहाल मनाही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही अंदर जा पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी ये ही अंदर यहाँ पर जा रहे हैं। मीडिया को अंदर जाने के लिए जब उनसे चर्चा की जाती है, जो सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि मीडिया का अंदर जाना यहाँ अभी प्रतिबंधित है। पीछे एक डोम बना आपको दिख रहा होगा, उस डोम में प्रधानमंत्री आएंगे और पीछे वहां कहीं काफी दूर जाकर एक हेलीपैड भी वहां पर बनाया गया है। सिवनी में प्रधानमंत्री कब कब आए ये हम आपको बताएंगे, पर उसके पहले हम ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अंदर जा पा रहे हैं, अधिकारी अंदर जा पा रहे हैं, पुलिस कर्मी अंदर जा पा रहे हैं। मीडिया का प्रवेश आज 4 नवंबर 2023 को मीडिया यहां प्रवेश नहीं कर पा रही है। किस तरह से 5 नवंबर को प्रधानमंत्री आएंगे और स्थानीय मीडिया अंदर जा पाएगा नहीं जा पाएगा, स्थानीय पत्रकार अंदर जा पाएंगे, कवरेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आज शाम लगभग 4 बजे तक स्थिति इसकी स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ देर पहले यहाँ से जो हम आपको दिखा दें, इस तरफ से जहाँ से ये मोटरसाइकिल अंदर जा रही है, तो गाड़ियां बाहर निकल रही हैं। यहाँ पर हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ दूरदर्शन लखनऊ की, संभवतः लखनऊ दूरदर्शन थे, वो एक ओबी वैन आई हुई थी, उसे भी अंदर जाने नहीं दिया गया। भोपाल दूरदर्शन से कोई सज्जन पत्रकार आए हुए थे, उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया। उनसे भी कहा गया फलाने अधिकारी से बात करें, फलाने अधिकारी से बात करें। कुल मिलाकर मीडिया को भी यहाँ पर भारी हुज्जत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रबंधन, ऐसा सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हों या नगर मंडल अध्यक्ष हों या पूर्व विधायक हों वे ही इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में वे ही, उनके द्वारा ही सब चीजों को परोक्ष तौर पर अंजाम दिया जा रहा है, ये बात सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा स्थानीय सिवनी के मीडिया को अभी तक किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी गई है। तवज्जो क्यों नहीं दी गई है ये बात वे बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं चुनाव, माफ कीजिए 13 दिन चुनाव में शेष रह गए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे से संपर्क करने का प्रयास किया गया, उनका फोन लगातार ही लिया जाया। अब ऐसी स्थिति में ये कहा जाए कि यहाँ कवरेज के लिए प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया उन्हें कवरेज देगा, सिवनी में उनका मीडिया को अंदर जाने की व्यवस्था क्या होगी या मीडिया को कवरेज कैसे करने दिया जाएगा, कोई भी यहाँ बताने को तैयार नहीं। कुछ मीडिया पर्सन्स ने जाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, पर अंदर जाने के लिए कोई भी अधिकारी से बात नहीं हो पा रही थी। बहरहाल अब हम आपको बताएं कि सिवनी में इसके पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी सिवनी आई थी और उनकी सभा हुई थी जो स्टेट बैंक के सामने, एक बड़ा सा मैदान जहां राशिलान आपने देखा होगा, वहां स्मृति लान राशिलान वाला पूरा मैदान, वहां उनकी सभा हुई थी। और उसके तुरंत बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे, वे आए थे यहां पर, उनके द्वारा यहां पर एक सभा की गई थी। इस सब ये देखिए, यहाँ पुलिस बल भी जा रहा है और पुलिस के वाहन भी कैसे अंदर घुस पा रहे हैं ये भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो प्रधानमंत्री रहते हुए यहाँ अटल लाल कृष्ण आडवाणी भी आए थे और राजीव गांधी लखनादौन में आए थे। राहुल गांधी लखनादौन के बाद सिवनी सर्किट हाउस में उन्होंने रात्रि विश्राम किया था।
प्रधानमंत्री रहते हुए नरसिम्हा राव सोनी आए थे 1993 के चुनाव में, पर उनकी सभा, उनका हेलीकॉप्टर भी पॉलिटेक्निक मैदान में ही उतरा था और पॉलिटेक्निक मैदान में ही उनकी सभा हुई थी 1993 में, जब आशुतोष वर्मा कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, तब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आए थे। और 30 साल के बाद अब नरसिम्हा राव के बाद अब नरेंद्र मोदी सिवनी में 5 नवंबर को उनका कार्यक्रम होगा। 5 नवंबर को यहाँ कहीं उनका हेलीपैड बना हुआ, वहाँ हेलीपैड पर वे उतरेंगे और हेलीपैड के बाद बड़ा डोम जो आपको दिख रहा है वहाँ पर, उस बड़े डोम में उनका स्टेज बनाया जा रहा है। बाकी नीचे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा पंडाल, वहाँ पर लोगों के बैठने की जगह होगी, वाहनों की पार्किंग कहाँ होगी इस तरफ संभवतः पार्किंग के लिए ये जगह बनाई गई है, पार्किंग यहाँ पर कराई जाएगी। पर जिस सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट तीन जिले मंडला सिवनी बालाघाट छिंदवाड़ा 4-5 जिले के लोग यहाँ आएंगे और 4-5 जिले के लोग जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनकी पार्किंग के लिए ये स्थान पर्याप्त होगा या नहीं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बात स्पष्ट हो गई है कि छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट तीन जिलों की सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवनी में हो रही है। संभाग मुख्यालय सिवनी बनाया जा सकता है, कितने सालों से, लगभग 10-15 सालों से सिवनी को संभागीय मुख्यालय बनाने के लिए जो ताना बाना बुना जा रहा है, पर अभी तक अंजाम पर वो नहीं पहुंच पाया है। प्रधानमंत्री की सभा हमारे पीछे होगी, ये सभा 5 नवंबर रविवार को यहाँ पर होगी और व्यवस्थाएं हैं अव्यवस्थाएं हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मीडिया को, मीडिया से चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जैसा सूत्रों का कहना है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिसाब से हो रहा है। अगर आपको अंदर जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज 4 नवंबर को अगर आपको अंदर जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर आपको इजाजत देंगे तो ही आप अंदर जा सकते, ऐसा लोगों का यहाँ कहना था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में गिनती के लाल टेन के 590 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में गिनती के लाल टेन देखना चाहते हैं तो आप इसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज न्यूज चैनल पर इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 5 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लाल टेन का 591 एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।